हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो दे विच अज आपां शेयर कैपिटल दा फुल फ्लैश क्वेश्चन करांगे, जिस दे विच जो जो आपां पढ़े है लास्ट वीडियोस दे विच कीता वो सारा कुछ आएगा। सारी जनरल एंट्रीज आनगियां, फोरफिचर दे इशू, और इस तो डिफिकल्ट सम पेपर दे विच नहीं आएगा, यह एंड है जो कि पेपर दे विच आएगा। इस वीडियो दे विच आपां यही सम सोल्व करना है जो तुहानूं वीडियो दे विच शो हो रहे हैं। ठीक है, देखो पहले पढ़ते हैं आप। एक्स वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कंपनी ने एप्लीकेशन ली किन्ने दिया इशू किते हैं, किन्ने शेयर्स इशू किते हैं, 50,000 दे इक्विटी शेयर्स इशू किते हैं, 100 दा एक शेयर है। एप्लीकेशन मंगवाई है, इतने मिसटेक है, 10 आएगा, 10 ईच, एक शेयर 10 है। एप्लीकेशन 3 रुपीस है, अलॉटमेंट 4 रुपीस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 75,000 दिया, कंपनी ने इशू कितने शेयर्स 50,000 थी, लेकिन एप्लीकेशंस एक्सेस दे विच रिसीव हो गई 25,000 शेयर्स दे उत्ते एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव हो गई। अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस करनी है, उन्होंने दसिया है किस अकॉर्डिंग करना है। देखो जेडे एप्लीकेशंस 40,000 शेयर्स दे रिसीव हुई हैं उन्होंने अलॉट किए 30,000 शेयर्स, जो एप्लीकेंट्स 35,000 शेयर्स लिए अप्लाई किया सी एप्लीकेंट्स ने उन्होंने अलॉट किए 20,000 शेयर्स ऑन द प्रोराटा बेसिस। उस तो बाद इतने एक बार कंप्लीट होंगे, उस तो बाद इन्हें की दस है रामू टू होम 1,200 शेयर्स वर अलोटड आउट ऑफ द ग्रुप। रामू एक शेयर होल्डर सेगा जिसनू 1,200 शेयर्स अलोट किए हैं, 1,200 शेयर्स अलोट किए हैं किस ग्रुप के विचों से। वो परसन आउट ऑफ द ग्रुप अपलाइंग फॉर 40,000 शेयर्स, कहिंदे एवली ग्रुप दे विच है, दो ग्रुप वाले है, एक तो 40,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया 40,000 लिए उसनों अलॉट किए 30,000 शेयर्स, एक एप्लीकेंट्स जो 35,000 शेयर्स लिए सीगे उन्होंने किए 20,000 शेयर्स। कहिंदे यही पहले वाले ग्रुप दे विच आंदा है जिन्हों जिन्हें अप्लाई किया 40,000 शेयर्स दे लिए उन्होंने अलॉट किए 30,000 शेयर्स। ठीक है, एवली केस दे विच रामू परसन है उसने 1,200 शेयर उसने अलॉट किए हैं। आउट ऑफ द ग्रुप अपलाइंग 40,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, जो कि अलॉटमेंट मनी देने दे विच असफल रहा, इसलिए उसके शेयरस फोरफिट कर ले इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो बाद इमीडिएटली उसके शेयर फोरफिट कर ले। ठीक है, एक तो रामू वाला केस हो गया। हुण आपां देखना है स्टूडेंट्स जिसनों 1,200 अलोट किए उसने किन्ने शेयर्स लिए अप्लाई किया होगा। इतने आप अप्लाई कढ़ांगे रामू ने किन्ने शेयरस लिए अप्लाई किया, किन्ने उसनों अलोट गिवन ने उसके अकॉर्डिंग ही जिन्हें अलोटड है उस तो आप अप्लाइड निकाल लेंगे। फिर आप देखांगे जो उसकी एप्लीकेशन मनी आई है और किन्नी एक्सेस दे विच उसकी एप्लीकेशन मनी आई हुई है उसनों आप एडजस्ट करांगे अलोटमेंट के विच, और बाकी जो अलोटमेंट नहीं आई वो एंट्री पा देंगे फोरफिचर दी और उसके शेयर्स नू फोरफिट करके दिखावांगे। यह रामू का केस है। हुण इन्होंने के एक रामू होर शेयर होल्डर है उसने अप्लाई किया 700 शेयरस लिए जो कि दूसरे ग्रुप के विचों आता है, जिसनों 35,000 शेयरस वाले 20,000 शेयरस अलोट किए हैं उस ग्रुप के विचों आता है जिन्हें 700 शेयरस लिए अप्लाई किया। ठीक है, इसकी आप अलोटमेंट कढ़ांगे किस इसनों किन्ने अलोट किए हैं, जिसने 700 शेयर्स अप्लाई किए उसनों किन्ने लोट हुए हैं। जो शामू है उसके शेयर भी फोरफिट कर ले क्योंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की सी। ठीक है, इससे भी अपन निकाल लेंगे किन्ने उसने अलोट किए हैं, किन्ने शामू नू लोट हुए सी। फिर इसकी भी आप एडजस्टमेंट करा किन्नी उसकी एक्सेस मनी आई हुई है उसनों अलोटमेंट मनी दे विच या फाइनल कॉल दे विच एडजस्ट करके दिखावांगे। फिर अपन पता चलू किन्नी एक्चुअल दे विच उसकी अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट है वह नहीं आई। लास्ट के उत्ते हुण की है आउट ऑफ द फोरफिटर शेयर्स जो रामू और
शामू के शेयर्स फोरफिट किए हैं उसके 1000 शेयर्स वर रीइशू 1000 शेयर रीइशू करते 8 पर शेयर फुली पेड अप द रीइशू शेयर्स इनकलूड द ओल्ड फोरफिटर शेयर ऑफ शामू कहते जो 1000 शेयर रीइशू किए इस दे विच सारे शेयर्स शामू के इनकलूड है शामू के सारे शेयर्स आएंगे बाकी रामू के जिन्हें लैफ्ट हो गए हूँ अपन पता है शामू ने 700 लिए अप्लाई किया इसमें अपन नहीं पता लोड किन्ने हुए एक्चुअल दे विच वो अपन निकाल लेंगे फिर बाकी जो रामू के शेयर है उस दे विच लैके 1000 शेयर्स रीइशू करने हैं इसके वर्किंग नोट्स बनेंगे चलो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सब तो पहले वर्किंग नोट बनावेंगे शेयर्स अप्लाई 40,000 वाले जिन्होंने अप्लाई किया शेयर्स अलोट किए 30,000 35,000 वालों 20,000 के शेयर अलोट किए हैं देखो एप्लीकेशन मनी कि रिसीव हुई सी 40,000 इंटू 3 120,000 35,000 शेयर्स वालों 20,000 शेयर्स अलोट हुए हैं 35,000 के उत्ते शेयर एप्लीकेशन मनी आई होएगी 105,000 उस तो बाद एप्लीकेशन मनी एडजस्ट एक्चुअल दे विच एप्लीकेशन मनी कितनी बनती सी जिन्ने शेयर्स अलोट हुए हैं 30,000 इंटू 3 90,000 20,000 इंटू 3 60,000 इन्नी शेयर्स अलोट किए गए हैं उस अकॉर्डिंग इन्नी मनी बनती सी ठीक है हुण एक्सेस दे विच जो मनी है लैस करके देखा 30,000 और 45,000 टोटल 75,000 जो है रिटेन कर ली जो कि एडजस्ट होएगी अलोटमेंट मनी दे विच नैक्सट वर्किंग नोट बनावांगे जिस दे विच आपां ने रामू और शामू दे शेयर्स निकालने हैं फस्ट केस रामू दा करदे आं रामू टू होम 1200 शेयर्स अलोटड जो कि ग्रुप केड़े ग्रुप दे विच है 40,000 वाले ठीक है मतलब फस्ट कैटेगरी दे विच आंदे आ उसनू 1200 शेयर्स अलोट हुए हैं 1200 शेयर्स अलोट हुए हैं आपा फाइंड आउट करना है कि किन्ने शेयर्स लिए उसने अप्लाई किया सी 1200 फर्स्ट कैटेगरी दे विच आंदा है 1200 शेयर्स अलोट हुए हैं उसने अप्लाई किन्ने किते आपा निकालना है तो फॉर्मूला लगता है अलोटेड शेयर्स इनटू जिस कैटागरी के विच है शेयर्स अप्लाइड डिवाइड बाय शेयर्स अलोटेड 30,000 अपने को आ जाएंगे 1600 शेयर्स रामू ने 1600 शेयर्स लिए अप्लाई किया सी जिसनों अलोट किन्ने हुए 1200 शेयर्स अलोट हुए हैं स्टूडेंट्स रामू ने 1600 शेयर्स लिए अप्लाई किया सी इट मीनस उसने 1600 के उत्ते एप्लीकेशन मनी कितनी दिती होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1600 इंटू 3 रुपये एप्लीकेशन मनी है ₹4800 अपन एप्लीकेशन मनी रामू तो रिसीव हुई है ठीक है लेकिन उसने लोड तो 1200 शेयर्स हुए हैं सो उसकी एडजस्टेड कितनी हुई होगी 1200 दे उत्ते 1200 इंटू 3 3600 जो 1200 लैस करके आन गए 4800 लैस 3600 1200 रुपीज़ है यह की है एक्सेस दे विच आ गई जिसनों रिटेन कर लिया कंपनी ने फॉर द अलॉटमेंट रिटेन फॉर द अलॉटमेंट हुन आपा की निकालना है रामू की अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है अलॉटमेंट मनी
ड्यू 1200 शेयर के उत्ते, क्योंकि उसनों 1200 शेयर से लोट किते हैं ना, तो 1200 शेयर के उत्ते अलोटमेंट मनी निकाल दें आप, 4 रुपीज़ अलोटमेंट मनी है अपने को कितनी आ गई 4800 रुपीज़। ठीक है, सो अलोटमेंट मनी कितनी ड्यू होती है 4800 रुपीज़। लेकिन एक्सेस के अपन एप्लीकेशन मनी दे विच, क्योंकि उसने 1600 शेयर्स लिए अप्लाई किया, इसलिए उसने एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस के आई हुई है उसी आप 1200 रुपीज़ एक्सेस के आए हुए हैं उसमें आप उसकी अलोटमेंट मनी के एडजस्ट कर देंगे। सो 1200 रुपीज़ में एडजस्ट करिए जो कि अपन ऑलरेडी रिसीव होए हुए है, तो 3600 रुपीज़ जो रामू तो है वो हजे भी लेने पे है, जो रिसीव नहीं हुए, नॉट रिसीव फ्रॉम राम लोटमेंट मनी, जो लोटमेंट मनी हज तक रिसीव नहीं हुई रामू तो। हुन अपा लोटमेंट तक जनरल एंट्रीज पावांगे, क्योंकि जो शामू वाला केस है वह अलोटमेंट वाले ट्रांजैक्शन तक उसका कोई भी बिच रोल नहीं हैगा, क्योंकि उसने शामू है जो सेकंड वाला केस है, जो शामू है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे की थी, मीन्स उसने जो अलोटमेंट मनी तक उसने पे की थी भी है। ठीक है, इसलिए आप अलोटमेंट तक पहले ट्रांजैक्शंस पा लिए जिससे बिचों आप 3600 रुपीज लैस करांगे जो अपन रिसीव नहीं हुए, बाकी आप ट्रांजैक्शंस पाने हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, मैंने जर्नल एंट्रीज देखो पाई हैं, पहले 2 एप्लीकेशन मनी दी हैं, फर्स्ट जो अपन एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 75,000 शेयर से उत्ते एप्लीकेशन मनी कितनी है 3 रुपीज़, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,25,000। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल दे विच जिन्हें शेयर्स अलॉट किए 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं उस उत्ते कितनी एप्लीकेशन है 3 रुपीज़। ठीक है, बाकी जो एक्सेस के बच्चे 75,000 उसनों अलॉटमेंट एडजस्ट कराँगे, आप वर्किंग नोट के भी निकाल चुके हैं, देखो एक्सेस के 75,000 से उसनों एडजस्ट करता, एक्चुअल एप्लीकेशन कितनी बनती है 1,50,000 जो शेयर लोगों अलॉट किए। सो थर्ड देखो, अलोटमेंट मनी ड्यू होगी शेयर अलोटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 के उत्ते 4 रुपये 2 लैख। ठीक है, हूँ नैक्सट एंट्री है जो अलोटमेंट मनी रिसीव होंगी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलोटमेंट, इस केस दे विच जो रामू से उसने अलोटमेंट मनी किन्ने रुपीस नहीं दी सी 3600 रुपीज़, 1200 अपन उसी एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस के आई हैं एप्लीकेशन उस तो रिसीव हो गई सी, इसलिए आप 1200 एडजस्ट किए थे, बनते तो 4800 से उसे, लेकिन आप 1200 एडजस्ट कर ले सी, इसका मतलब टोटल उसने 3600 रुपीज़ नहीं दिए। सो कॉलिंग एरियर बन गया, कॉलिंग एरियर डेबिट होएगा कॉलिंग एरियर अकाउंट 3600 के नाल, शेयर अलॉटमेंट 2 लैख, स्टूडेंट्स इतने 2 लैख नहीं आएगा, आप गलती कर जाने कि इतने 2 लैख पाने, इतने 2 लैख नहीं आएगा, मैं जान के इसको कट करके दिखा रही हूँ, इतने 2 लैख नहीं आएगा बच्चों, अपने जो 75,000 है वो ऑलरेडी एडजस्ट किया है अलोटमेंट के, मतलब 75,000 2 लैख के 75,000 रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो लेने हैं वो लिखांगे इतने 2 लैख के 75,000 लैस कर देंगे, इतने आएगा 1,25,000, 1,25,000 के 3600 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए जो कि कॉलिंग एरियर है, बाकी जो रह गई 1,21,400।
रुपीज़ रिसीव हो गए। ठीक है, उस तो बाद अपन क्वेश्चन दे विच की गिवन सीगा कि जामू दे शेयर्स नू इमीडिएटली फोरफिट कर लो, इमीडिएटली फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तो बाद इमीडिएटली फोरफिट करने हूँ एंट्री पेगी फोरफिटर दी, जो कि सारे नू आंदी है शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इत्थे कोई भी प्रीमियम दा रोला नहीं हैगा, सो अपन प्रीमियम नहीं लेना। शेयर फोरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट किन्नी कोल्ड अप अमाउंट है देखो, 1200 शेयर्स सीगे रामू दे, उस दे उत्ते किन्नी कोल्ड अप कीती है 3 एप्लीकेशन और 4 रुपीस अलॉटमेंट, 7 रुपीस टोटल कोल्ड अप अमाउंट है 8400 रुपीस, और किन्ने रुपीस नहीं आए, किन्ने रुपीस नहीं आए 3600 रुपीस, 3600 आप सीधा शेयर अलॉटमेंट दे विच पा देंगे। किन्नी अमाउंट रिसीव होगी 1200 दे उत्ते 3 एप्लीकेशन और 1200 एक्सेस दे विच आ गई सी, 1200 एक्सेस दे विच आ गई सी, टोटल 4800 रुपीस, 4800 रुपीस जो है रिसीव हो गए। नेक्स्ट केस हूँ शामू दा करांगी, शामू दा वर्किंग नोट बनाने हैं क्योंकि हूँ आप नेक्स्ट एंट्रीज की दिया पानी कोल दियाँ, उस दे विच शामू शामू ने जो कॉल्स पे नहीं कीतियाँ उसका आएगा ट्रीटमेंट। सो पहला आप वर्किंग नोट ही बना लिए। स्टूडेंट्स शामू है जो उसनू उसने 700 शेयर्स लिए अप्लाई किता है, इसनू आप की निकालने अलोटड शेयर्स किन्ने उसनू अलोटड होया वो नहीं पता अपन, जो रामू वाला केस सी उस दे विच अपन अलोटड गिवन सी आप अप्लाइड निकालने सीगे, इसका बहुत ध्यान रखना है, बच्चे इस दे विच गलती करते हैं। देखो किस तरीके नाल निकालेंगे, जो अपन एक गल होर दे ध्यान दे विच रखनी है कि यह किस नू बिलोंग करता है, जो फर्स्ट कैटेगरी उस नू बिलोंग करता है कि या सैकेंड कैटेगरी, फिर ही अपने अलोटड शेयर्स निकलेंगे कि शामू नू किन्ने शेयर्स अलोट हुए सी। सो क्वेश्चन दे विच अपन नू गिवन है कि यह बिलोंग करता है सैकेंड ग्रुप दे नाल, सो अपन निकालेंगे 700 शेयर जो अप्लाई किते हैं अलोटड शेयर्स अलोटड 20,000 डिवाइड बाय 35,000 अपने कोल किन्ने आ जाएंगे 400 शेयर्स इसनों अलोट हुए हैं। जिस तरीके ने आप पहला निकाल ली सी उसकी एप्लीकेशन किन्नी बनती है, एप्लीकेशन उसने किन्नी दी होगी 700 शेयर के उत्ते 3 रुपीस, और 400 दे उत्ते एप्लीकेशन किन्नी बनेगी 1200, 400 शेयर्स दे उत्ते अलॉटमेंट किन्नी बनती है 1600 टोटल बनती है, 2100 दे विच एडजस्ट हो जाओ बाकी अलॉटमेंट दे विच। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट लेकिन क्वेश्चन दे विच की क्या है, जस्ट कॉल्स नहीं आई हाँ, सो इत्थे अपन इस तो कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, जो उन्होंने क्वेश्चन दे विच किया ही नहीं कि अलॉटमेंट नहीं आई, तो करके इत्थे अपन कोई मतलब नहीं कि अपनी आ मनी किन्नी एडजस्ट हो रही है अलॉटमेंट मनी दे विच, किन्नी अपन मंगवानी पै रही है, जो अलॉटमेंट आई गई अपन कोई मतलब नहीं, हुण इत्थे जस्ट कॉल्स नहीं आ रही, वो आप निकालेंगे। सो कॉल्स किन्नी रुपीस या नहीं आईया, 400 शेयर्स के उत्ते 3 रुपीस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनती है, 1200 रुपीस कॉल इन एरियर है, 1200 रुपीस नहीं आए। एक गल होर ध्यान दे विच रखनी है, हुण जिहड़े शेयरस दी फाइनल कॉल ड्यू होगी, फाइनल कॉल किन्नी रुपीस ड्यू किन्ने शेयर के उत्ते ड्यू होगी
50,000 शेयर से विचों जो रामू दे शेयर सी जो फॉरफिट कर ले वो लैस होंगे। 48,800 शेयर के उत्ते फाइनल कॉल है वह ड्यू होएगी, अमाउंट कितनी आएगी 1,46,400 रुपीज। देखो आप हम ट्रांजैक्शन पा, नेक्स्ट जर्नल एंट्री की बनेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,46,400। नेक्स्ट एंट्री जो रिसीव होंगी है अपन किन्ने रुपीस नहीं रिसीव होए 400 शेयर से उत्ते जो शामू कोल 400 शेयर से उसके उत्ते अपन फाइनल कोल रिसीव होए 400 × 3 कोल्स इन एरियर 400 × 3 1,200 रुपीस रिसीव नहीं होए टू शेयर फाइनल कॉल 1,46,400 लैस करके आ जाएगा 1,45,200। उस तो बाद शेयर्स फोरफिट कर लेने हैं, जो शामू है उसके शेयर्स भी फोरफिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। फोर हंड्रेड शेयर से गए उसके उत्ते टोटल अमाउंट कॉल्ड अप सी सो 4,000 रुपीज। किन्ने रुपीज आ गए सी अलोटमेंट मनी तक सारी मनी आ गई सो 400 × 7 3 एप्लीकेशन दे और 4 अलॉटमेंट दे 2,800। 400 ते किन्नी मनी नहीं आई जस्ट फाइनल कॉल 1,200 रुपीज शेयर्स फॉरफिट हो गए। नेक्स्ट एंट्री है री इशू दी, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1,000 शेयर्स री इशू किते हैं 8 पर शेयर फुली पेड अप 1,000 शेयर्स री इशू किते हैं की कहते हैं कि जो शामू के शेयरस है वह सारे लेने हैं द रीइशूड शेयरस इनकलूड ऑल द फॉरफिटेड शेयरस ऑफ शामू, शामू के सारे शेयरस आएंगे मीन शामू के 400 शेयरस है वह सारे शेयरस आएंगे और जो रिमेनिंग 600 है वह आप रामू के शेयर के लवेंगे 1,200 के 600 शेयरस रामू के लवेंगे। री इशू की एंट्री देखो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड डेबिट क्यों किया बिकॉज शेयर री इशू किया 8 पर शेयर एज अ फुली पेड अप लेकिन शेयर आप इशू किन्ने ते किया सी 10 रुपीज़ का री इशू 8 रुपीज़ के कर रहे हैं सो 2 रुपीज़ का इतने लॉस पै रहे हैं 1,000 × 2 रुपीज़ 2,000 का लॉस पै रहे इतने 1,000 के उत्ते किन्ना रिसीव हो रहा 8 रुपीज 8,000 शेयर कैपिटल किन्नी बनती है 1,000 × 10 10,000 शेयर ठीक है। नेक्स्ट एंट्री की होंगी है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री होंगी है जो फोरफिटर के अमाउंट पई है उसनों फोरफिटेड अकाउंट के अमाउंट पई है उसनों कैपिटल रिजर्व के ट्रांसफर किया जाता है बिकॉज यह अपना प्रॉफिट होंगे सो प्रॉफिट नूं आपां कैपिटल रिजर्व अकाउंट दे विच ट्रांसफर करते हैं। स्टूडेंट्स आपां ने दो जगह फोरफिटर की एंट्री पाई है, एक तो शामू की फोरफिटर की एंट्री पाई है 400 शेयर के उत्ते, इस दे उत्ते फोरफिटर अकाउंट दे विच किन्ने रुपए से 2,800 सो मैं एक बार साइड के उत्ते लिख लिया 2,800 किस तो आए थे शामू वाले ठीक है, जो शामू के शेयर के उत्तों फोरफिटड अमाउंट रिसीव हुई सी 2,800 और एक केस सीगा जो रामू वाला उसके फोरफिटर अमाउंट किन्नी सी फोरफिटेड अकाउंट दे विच 4,800 रामू ये तो सही है स्टूडेंट 2,800 बिकॉज यह आपने जो टोटल किन्ने शेयर से इतने 1,200 शेयरस जो रामू दे 1,200 शेयरस फोरफिट किते सीगे
शाम्बू दे 400 शेयर्स फोरफिट किए हैं। ठीक है, जो आप रीइशू किए, रीइशू दे विच शाम्बू दे तो 400 लै रहे हैं, 400 दे 400 शेयर्स लै रहे हैं। क्लीयर, जो रामू दे है, रामू दे सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर्स लै रहे हैं। हुण आपां ने की निकालना है, 600 शेयर दे उत्ते फोरफिटड अमाउंट किन्नी बनती है। सो 600 शेयर दे उत्ते आपां फोरफिटड अमाउंट निकालांगे, 4800 रुपीस 1200 शेयर दे उत्ते है, 600 शेयर दे उत्ते किन्नी आएगी, 4800 डिवाइड बाय 1200 इंटू 600, 2400 रुपीस है जो वह 600 शेयर की फोरफिटड अमाउंट आ गई, और 2800 तो 400 शेयर ही हैगी है। ठीक है, सो 2800 प्लस 2400 रुपीस किन्नी होगी, 5200 रुपीस, 5200 रुपीस फोरफिटड अमाउंट बनती है, जिसके विचों रीइशू करन ते आपां नूं किन्ना लॉस हो गया 200 का। 5200 रुपीस के विचों लॉस किन्ना हो गया रीइशू के उत्ते, लॉस ऑन रीइशू इस रुपीस 2000 को लैस कर देंगे, 3200 रुपीज़ है जो कैपिटल रिजर्व के विच जाएंगे, जो कि अपना प्रॉफिट है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, देखो जो फोरफिटड अमाउंट, जो आप पहला रीइशू देखने, रीइशू किन्ने किए 1000 शेयर, उस दे विचों देखने शामू दे शेयर सब पूरे सी, सो इस दी फोरफिटड टोटल अमाउंट चक लेंगे, जो फोरफिटड अमाउंट रिसीव हुई सी। जो सैकेंड वाला केस है रामू, रामू दे सिर्फ 600 शेयर फोरफिट किए हैं, 600 शेयर के उत्ते आप फोरफिटड अमाउंट निकालेंगे, 4800 डिवाइड बाय 1200 इंटू 600, 2400 रुपी 600 शेयर के उत्ते आ जूगी। फिर आप टोटल करांगे, 2400 प्लस 2800 जो शामू दे शेयर से उसकी, दोनों की टोटल करती, रामू दी 2400 रामू दी, 2800 शामू दी, टोटल आ गया 5200 रुपीस, जो कि शेयर फोरफिटड अमाउंट है। उस दे विचों लॉस किन्ना हो गया, जो अपन रीइशू करन दे उत्ते 2000 का लॉस हो गया, वो निकाल के 3200 रुपीस हजे भी बचते हैं, जो कि प्रॉफिट है कंपनी का, उसनों कैपिटल रिजर्व अकाउंट के ट्रांसफर कर देना। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन, इस अलावा जब टफ सम एग्जाम्स नहीं आता हों, बद यही हूँ, बस इन्ना इनफ है। आई होप सो स्टूडेंट्स, उन्होंने टॉपिक क्लीयर होया हो, सम क्लीयर होया हो। थैंक यू।